very good morning students let's continue this chapter that is your henry in my previous class i explained to you about the henry how he came into author's family clear let's start students but his threatening display went नो फर्दर ही डिड नॉट बाइट यहाँ पहले पढ़ रहे थे कि हैंनरी कैसे डराने की कोशिश करता है ऑथर को बट लेकिन वो डराना ही चाहता था काटता नहीं था कभी हैंनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो इफ आई पुट माई फिंगर इन हीज माउथ इवन ड्यूरिंग हीज़ वाइल्डेस्ट मोमेंट्स ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन तब भी वो नहीं काटता था जस्ट इमेजिन आई सपोज ही कुड बाइट हीज रिजिड जॉस कैरीड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ But Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. Okay. Henry was sometimes willing to take food from my hands. This he did very swiftly. His tongue performed like a boomerang. Boomerang students, a slightly curved piece of wood which comes back to the person who throws it. And always came back to him with the food, usually an insect attached to it. Although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat of a riot in the nursery school down the road. इट्सटार्टेड आउट क्वाइट इनोसेंटली घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन राइट right स्टूडेंट्स जब बहुत दंगा फसाद हो जाए ओके हियर इट मीन्स नॉइजी कन्फ्यूजन वेन द प्पाइज इन आर ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड मीन्स फ्रूट गार्डन स्टूडेंट्स वेयर राइट राइट मीन्स पक जाना ग्रैंड मदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसिस घोष हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल वेल्ड द बास्केट ट वेटिंग हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बिटल्स एंड स्लिपड इन अमॉन्ग द पपायाज अनोटिस्ड क्या होता है वो पपाया बास्केट में भूल से कीट पतंग खोज में फिसल जाता है और उसी में गिर जाता है फ्रूट बास्केट में द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिट द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसज घोश ऑफिस वो जो गार्डनर रहता है वो पपाया ले जाकर Mrs. घोश के ऑफिस में रख देता है नाउ लेट्स लुक स्टूडेंट वॉट हैपेंड वेन मिसिज घोष रिटर्न आफ्टर मेकिंग हर राउंड शी बिगेन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायर्स एंड आउट पॉप्ड हेनरी हो उसी समय हेनरी बाहर निकलता है बास्केट से मिसिस घोष स्क्रींड हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर बोथ हाईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली मिसिस घोष स्क्रींड अगेन हैंनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड इज माउथ ओपन एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीन वो चीखती हैं वो भी डर जाता है जैसे लग रहा है कि वो भी चीखना चाह रहा हैनरी भी एंड असिस्टेंट टीचर रसड इन टुक वन लुक एट द कैमिलियन एंड जॉय इन द्रिकिंग हैनरी वॉज टेरीफाइड टेरीफ्राइड मीन्स स्टूडेंट जर डर जाना ओके शेड श्रेकिंग मीन्स ऑल्सो काँपना ही फ्लैड फ्राम द ऑफिस फ्लैड मतलब निकल जाना भाग जाना फ्राम द ऑफिस रनिंग डाउन द कॉरिडोर रन इन टू वन ऑफ द क्लास रूम्स अब हैंनरी भागते भागते बास्केट से कहाँ पहुँच जाता है क्लास रूम में देअर ही क्लाइंड अप ऑन अ डेस्क वाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शन और जैसे क्लास में घुस जाता है कैमिलियन बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं सम टू गेट अवे फ्राम हैंनरी सम टू कैच हिम हैंनरी फाइनली मेड इज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिस इन द गार्डन किसी तरीके से हैंनरी भी अपना जान बचा कर खिड़की के रास्ते बाहर जाता है और निकल जाता है ग्रैंड मदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष बट डिडेंट मैंशन डैट द कैमलियन वॉज आर्स इट माइट हैव स्पॉय देयर फ्रेंडशिप ग्रैंड मदर को जब इस घटना के बारे में पता चलती है वो नहीं बताती हैं कि कैमिलियन उनका ही रहता है पेट नहीं तो उनकी दोस्ती में दाग लग जाती खराब हो जाती है फ्रेंडशिप

फ्यू डेज लेटर आई फाउंड हिम सनिंग हिम सेल्फ ऑन द गार्डन वॉल लेकिन कुछ दिनों बाद ये ऑथर को फिर वो दिखता है उनके गार्डन वॉल पे ऑल दो ही लुकड नन दर्स फॉर हिस्स एडवेंचर वो वर्ड्स इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट सीम्ड लुक्ड नन दर्स सीम्ड फाइन क्लियर फॉर हीज एडवेंचर ही नेवर वेंट अब्रॉड अगेन अब्रॉड मतलब हियर आउट ऑफ द गार्डन अब उसे देख के लग रहा था कि अब वो घूम फिर के हार के आ गया है अब वो कहीं गार्डन से बाहर नहीं जाएगा हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन वेर ही केप द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंडस और हेनरी के रहने की वजह से इंसेक्ट्स जो थे वो कंट्रोल्ड में थे ऑथर के गार्डन में सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी स्टूडेंट्स डैट इज योर हेनरी रिटर्न बाई रस्क बॉन्ड क्लियर आई होप एवरी थिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी During online classes, and students' hard word is there in the notes related to this chapter. Uh, word meanings are there, exercises you can see. One is there, A, sorry, and B, students in your classwork copy, you will write in a proper sequence that is, one, two, three, four, in the same way. Clear? Number C, there is no need to do, and uh, this number D, question answer, is there in the notes this exercise uf you will do in your book itself okay thank you students have a nice day